कम्म क्या है? कम्म का सामान्य अर्थ ही काम है। जो हम काम करते हैं उसे कम्म कहते हैं। अभी काम बोले तो हम शरीर से काम करते हैं, ये वाणी से कुछ बोलते हैं, या मन से जो सोचते हैं, ये जितना भी हो रहा है इसे कम्म कहते हैं। ये जो काम है इसी को कम्म कहते हैं। सुत्त पिटक के अनुसार जो काम जो शरीर वाणी मन से करते हैं वो सारा काम कम्म है। मगर अभिधम्म विशेष प्रकार के जो धम्म है, जो चित्त चेतसिक रूप निर्वाण के विषय में व्याख्या करता है, ऐसे अभिधम्म पितक के अनुसार चेतना युक्त काम को ही कम्म कहते हैं। मतलब जहां मनसाय होता है, जहां चेतना होता है, जहां मैं करूंगा बोलूंगा सोचूंगा करके चेतना से इच्छा से जो करते हैं वही काम कर्म है। तो ये अभिधम्म के अनुसार ये काम हो गया। अभी जितने भी ये कम्म है, काम है, ये सिर्फ डोई है। अच्छा काम किया तो कुशल कम्म, बुरा काम किया तो अकुशल कम्म। ये अच्छा और बुरा कम्म, अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम आएगा। और ये जो कम्म है, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे कुशल हो या अकुशल, ये जो कुशल अकुशल कम्म, अच्छा बुरा जो कम्म है, ये कम्म करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ तीन ही है, शरीर वाणी मन। हम शरीर से बोलते, शरीर से काम करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। ये तीन माध्यम से ही हम कम करते हैं, जो अच्छा भी है बुरा भी है, कुशल भी हो सकता है अकुशल भी हो सकता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करते समय चार आर्य सत्य का भी बोध किया था। इस दुनिया में दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, अगर दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, निर्वाण भी है, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है। जितने भी दुख है वो दुख मुक्त होने का मार्ग भी है। जो दुख का मूल कारण तृष्णा है वो तृष्णा को खत्म करने का राह भी है, और वो मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि करके ये आठ मार्ग आता है, जिसे शील समाधि प्रज्ञा के रूप में भी विभाजन किया है। तो इसमें ये आठ मार्ग में एक सम्यक कर्मांत करके एक मार्ग है, जो कर्म अच्छा करना चाहिए, सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए करके सम्यक कर्मांत के विषय में उपदेश आया है। तो सम्यक कर्मांत में विशेषतः तथागत बुद्ध ने तीन काम नहीं करना ये उपदेश दिया है। तीन काम बोले तो पानातिपाता विरति, जो हम प्राणी हिंसा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, ऐसे काम से अलग रहना है। अदिनादाना विरति, जो दूसरों का न दिया हुआ चीज उठाना या जो चोरी करना, ऐसे काम छोड़ना है। कामेषु मिथ्याचारा विरति, जो काम मिथ्याचार है, जो व्यभिचार है, जो परस्त्री परपुरुष गमन करना है, ऐसे दुराचार व्यभिचार से अलग होना है। ये सम्यक कर्मांत है। तो तथागत बुद्ध ने ये जो कम्म का विषय में उपदेश दिया है, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जहां इस दुनिया में जो भी हम कम्म करते हैं,
चाहे शरीर से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे मन से करो, जो भी जैसा भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारा ही है, हम ही उसका भागीदार है। हम कर्म करेंगे बुरा कर्म किया करके, अरे मैंने बुरा कर्म किया, अभी ये मैं अपनों को बांध देता हूँ, या अपने नीचे काम करने वाले को बांध देता हूँ, या दूसरों को पैसा देके बांध देता हूँ, ये संभव नहीं है। बुरा किया तो हमें ही भुगतना है, अच्छा किया तो कोई हमसे छीन के भी नहीं ले सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारा मालक नहीं है, कोई हमें जबरदस्ती बुरा भी नहीं करा सकता, कोई हमें जबरदस्ती अच्छा भी नहीं करा सकता। अच्छा करने वाला बुरा करने वाला हम खुद ही है। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। अभी कर्म ये है तो कर्म फल क्या है, जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम, उसका विपाक, उसका जो रिजल्ट है उसी को कर्म फल कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, यानी करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो, कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं, यादि संवपते बीजं तादि संहरते फलं। यानी करोति पुरुषो, इंसान जो करता है जैसा करता है, तानि पश्यति आत्मनो, वो वैसा ही भुगतता है, वो वैसा ही देखता है। कल्याणकारी कल्याणं, अच्छा काम किया, कल्याणकारी काम किया तो उसको वैसा ही परिणाम आएगा। पापकारी च पापकं, अगर गलत काम करते हैं, अगर पाप काम करते हैं तो उसका परिणाम भी पाप युक्त ही आएगा, बुरा ही आएगा। यादि संवपते बीजं, जैसा बीज हम खेतों में बोने को डालते हैं वैसा ही तादि संहरते पलंग, वहां वैसा ही अन्न फलेगा। धान बोएंगे तो धान, गेहूं बोएंगे तो गेहूं, अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो परिणाम बुरा आएगा। तथागत बुद्ध ने तम पद के पहला गाथा में भी बताया है, मनु पुबंग मा धम्मा मनु सेत्था मनोमया, ये जहां तहीं सबसे पहले मन पहुंचता है, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रमुख है। उसके बाद मनसा चे पदुत्थेना, ये प्रदूषित मन से या गलत मन से पासति वा करोति वा, अगर हम बोलेंगे या करेंगे तो ततोनंग दुख मन्वेति, ऐसे लोगों को दुख आता है, और दुख भी कैसे आता है, चक्कं वो वह तो पदं, जैसे बैलगाड़ा के पीछे पीछे भार जो चक्का या पहिया पीछे पीछे आते हैं, वैसे ही दुख पीछे पीछे आते हैं। मनसा चे पसन्ने न, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से पासति वा करोति वा, अगर हम बोलेंगे अगर हम करेंगे तो ततोनं सुख मन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे सुख आते हैं, और सुख भी कैसे आता है, छाया वो अनपाहिनी, जैसे हम प्रकाश में जाते हैं तो वहाँ हमारे पीछे पीछे परछाएं आते हैं, और वो परछाएं आया करके हमें कोई भी तकलीफ नहीं देता, वैसे ही जीवन में सुख भी पीछे 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 आते हैं। इसलिए अच्छे मन से हमें बोलना है, करना है, या कुशल कर्म करना है। कुशल कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा आएगा। हम किसी को बुरा भला कह रहे, हम एकदम गाली गलौज से बात कर रहे, और हम ये चाहेंगे कि सामने वाले मुझे बहुत नरमी से बात करे, प्रिय वचन बात करे, ऐसा तो संभव नहीं है।
अगर हम अच्छे बोलेंगे तो सामने वाले भी अच्छे बोलेंगे, अगर हम गुस्सा करके गाली गलौज दे के बात करेंगे तो वो भी वैसा ही बात करेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें दिखने को मिलता है, वैसा ही भुगतने को मिलता है। ये कम्म और कम्म फल है। साधु, साधु, साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।